हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजयस होम किचन। में आपकी दोस्त नैन्सी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के कुजीन से एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। जैसे कि तीज, हरियाली तीज है और तीज पे राजस्थान पे बनता है राजस्थानी सत्तू, तो आज मैं उसी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थानी सत्तू की रेसिपी। जैसे कि नाम में ही है सत्तू, तो सत्तू की रेसिपी है, तो उसके लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने सत्तू। और ये मैंने घर पे ही बनाया। कैसे बनाया? ये मैंने भुने हुए चने ले लिए थे, मार्केट में इजिली अवेलेबल हैं, इनको मैंने पीस लिया था। लेकिन अगर आपके पास ये चने नहीं है घर पे अवेलेबल और आपको ये रेसिपी एंजॉय करनी है, तो घर पे चने की दाल तो सभी के होती है, तो आप इस चने की दाल को भून के भी यूज कर सकते हैं। चने की दाल को अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, ड्राई रोस्ट कीजिएगा और उसके बाद इसे पीस लीजिएगा, तब भी आपके ये सत्तू बनके तैयार हो जाएंगे। स्वाद वही सेम आएगा। ये मार्केट में भी पिसा हुआ मिल जाता है, आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस कटोरी से नाप के ये आटा लिया है, यहाँ पे ये 2 कटोरी आटा है। तो क्वांटिटी का जो भी मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है जैगरी पाउडर। मैं आज चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ, बट ट्रेडिशनली ये रेसिपी शुगर पाउडर से बनती है। पर अगर आप खाना चाहते हैं, शुगर आप खाते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं। क्वांटिटी चीनी की आप इतनी ही ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी सत्तू के आटे में 1 कटोरी जैगरी पाउडर लिया है, ये बाजार से ही ले लिया था मैंने, पिसा पिसाया। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, जो सत्तू का आटा है इसे छान लूंगी, क्योंकि कुछ भी इसमें अगर दाना रह गया है, क्योंकि हमने इसे पीसा है, अगर दाना रह गया है तो वो भी इसमें छट जाएगा और अच्छे लड्डू बन के आएंगे। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनते हैं, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप मार्केट का भी सत्तू यूज कर रहे हैं या आप घर पे चने की दाल को पीस के यूज कर रहे हैं, तो उसे आप छान जरूर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा रहता है छानने के बाद, उसमें एयर बबल्स नहीं रहते, कोई रोड़ी भी नहीं रहती, कोई दाना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये सत्तू देखिए अच्छे से छान लिया, थोड़ा बहुत जो रोड़ी रह गई थी इसे मैं अलग हटा दूंगी। अब इसी सेम छन्नी में मैं यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर लिया, इसे भी छानूंगी। इसे छानना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार को जो शुगर पाउडर है उसे मत छानिएगा, पर अगर आप जैगरी यूज़ कर रहे हैं तो उसे तो ज़रूर छान लीजिएगा, क्योंकि जैगरी में मोटे मोटे दाने होते ही हैं। तो आप इसे छानने के बाद अलग कर दीजिएगा मोटे दाने। ये देखिए कितने सारे मोटे दाने इसमें से निकले हैं, इन्हें मैं अलग कर दूंगी और सेम क्वांटिटी जैगरी है वो और ले लूंगी मैं इसके अंदर। और इसके साथ यहाँ पे लिया मैंने 2 इलायची, इन्हें मैंने घर पे ही कूट लिया। आप चाहें तो मार्केट वाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, जरूर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कुछ बादाम। बादाम को मैंने बहुत फाइनली कट कर लिया है, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये ऐड करना। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ही ऐड कीजिएगा। और इन्हें मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी सारी चीजों को, जैगरी पाउडर, हमारा जो सत्तू का आटा है और जो हमारे नट्स वगैरह हैं। और इसके साथ यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कटोरी देसी घी। देसी घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है तब ऐड कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूंगी, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। और ये देखिए मैंने सारा ऐड कर दिया। मुझे पता है इसमें 2 कटोरी आटे के अंदर 1/2 कटोरी देसी घी यूज में आ जाता है, और इसे बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं तीज के दिन। और ये देखिए कटोरी में जो थोड़ा बहुत घी रह गया उसे भी मैंने अच्छे से आटे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि आटे से जल्दी से क्लीन हो जाता है। अगर आप कटोरी को, घी की कटोरी को वॉश करेंगे तो वो चिकनी सी रह जाती है, इस वजह से मैंने आटे से किया। और ये देखिए मुट्ठी बना के देखिएगा, अगर आपकी मुट्ठी में आटा आ रहा है दैट मींस आपका जो ये डो है अच्छे से रेडी हो गया है सत्तू बनाने के लिए। यहाँ पे इन्हें मैं सत्तू का शेप दे रही हूँ, मैं लड्डू नहीं बना रही हूँ, सत्तू बना रही हूँ। तो राजस्थान में इसी शेप में इसे बनाया जाता है, इस टाइप से हथेली पे रख के फ्लैट, नीचे से फ्लैट रहते हैं और ऊपर से थोड़े से गोल रहते हैं, इस टाइप से ही बनते हैं। ये देखिए अगर आपको इनके लड्डू भी बनाने हैं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली वहाँ इसी शेप में बनाए जाते हैं और ये पूजे जाते हैं वहाँ पे। जब लेडीज वहाँ पे व्रत खोलती हैं तो इसे ही खा के इससे ही वो व्रत अपना खोलती हैं, और इस टाइप से बना लेंगे। अगर आपसे हथेली पे नहीं भी बनते हैं तो आप किसी प्लेट के ऊपर रख के भी इन्हें बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है इन्हें बनाना और खाने में तो बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये रेसिपी, राजस्थान का कुजीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी रेसिपीज लेके आती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए अपना, ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और ये देखिए बातों ही बातों में सत्तू सारे बनके तैयार हो गए। उनके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े से ऑलमंड्स बीच में से कट करके लगा दिए हैं, तो आप भी इस तरीके से इन्हें बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे और अच्छी और ईजी रेसिपीज के साथ, साथ के साथ इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।